दोस्तों आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने समय में ऐसे ऐसे काम किए जिसके बारे में सोचने मात्र से भी किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बुलेरिया मुसोलिनी की, जो इतिहास की सबसे क्रूर, खूबसूरत और अय्याश रानी थी। दोस्तों इसकी हवस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसने मात्र 24 घंटे में 30 आदमियों के साथ सेक्स किया था, और ये अपनी हवस को बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दोस्तों बुलेरिया किंग क्लेडियस की तीसरी पत्नी और कैलकुला की बहन थी। दोस्तों कैलकुला क्रूर और पागलपन के लिए जाना जाता है, और इसी की तरह उसकी बहन भी थी। क्लेडियस की उम्र ज्यादा थी और इसीलिए बुलेरिया की हवस पूरी नहीं होती थी, इसीलिए वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए शहर के वैश्याले में जाकर अपनी प्यास बुझाती थी। दोस्तों उस समय रोम में वैश्याओं की एक प्रतियोगिता होती थी, और जो इस प्रतियोगिता को जीतती थी उसे सबसे बड़ी वैश्या माना जाता था। दोस्तों बुलेरिया को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तड़पने लगती है, क्योंकि वो दिन रात सेक्स के बारे में सोचती रहती थी, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। और इसीलिए बिना किसी को कुछ बताए वो इस प्रतियोगिता में शामिल हो जाती है, और वहाँ की सारी वैश्याओं को हराते हुए 24 घंटे में 30 से ज्यादा मर्दों के साथ सेक्स करती है। वो अपने महल में सिपाहियों और मंत्रियों तक को नहीं छोड़ती थी, मौका मिलते ही उनको अपना शिकार बना लेती थी। एक बार उसके सैन्य कक्ष के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था, उसने उस सिपाही को अंदर बुलाया और सेक्स करने के लिए राजी कर लिया। और जब वो सिपाही सेक्स करने के बाद जाने लगा, उसने उसे रोका और दोबारा करने के लिए कहा, पर सिपाही ठंडा हो चुका था। उसने उसको डराया, कहा कि अगर वो उसके साथ सेक्स नहीं करता है तो वो उसके सेक्स करने के जुर्म में उसको मरवा देगी। सिपाही मरने के डर से सेक्स करता है, और रात भर रानी उसके जिस्म को चूसती है। सिपाही के ड्यूटी पर ना होने पर जांच होती है तो पता चलता है कि सिपाही की मौत हो चुकी है। सिपाही के गुप्तांग बहुत बुरी हालत में थे, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था। वो हवस की इतनी भूखी थी कि उसने उस आदमी के साथ इतना सेक्स किया कि आदमी की मौत हो गई। किंग क्लेडियस उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था। आखिरकार उसने अपने सिपाहियों से उसको मरवा दिया। वैसे दोस्तों आपने इससे पहले इतनी कामुक रानी के बारे में सुना था, कमेंट करके जरूर बताएं।